ईद मुबारक सभी को, मेरे सभी व्यूअर्स को, और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और आज का ये शुभ दिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे ब्लॉग के थ्रू। और सुमित सुबह गए थे नमाज पढ़ने के लिए, सुमित नमाज पढ़ के आ गए और मैं अभी जा रही हूँ माँ कामाख्या के मंदिर। मैं फास्ट रखी हूँ पूजा देने के लिए। तो ये देखिए एसी बस पे हम लोग बैठ गए हैं, एसी बस से जा रहे हैं। रीज़न है क्योंकि सुमित बोल रहा था स्कूटी करके जाएंगे तो इतना धूप में हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर से मैं फास्ट रखी हूँ पूजा देने के लिए तो चक्कर आके गिर सकती हूँ। इसीलिए सुमित ने बोला सबसे अच्छा है एसी बस से जाते हैं। और मेरे घर से कामाख्या का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए एसी बस ही प्रेफर करती हूँ। बस का भाड़ा 25 रुपये लिया, अगले बार गए थे 30 रुपये लिया था, अभी 25 रुपये लिया। ये है गुवाहाटी का फ्लावर मार्केट और इससे थोड़ी दूरी पर ही है फैंसी मार्केट। बहुत रीजनेबल, बहुत सस्ता वाला कपड़ा वगैरह मिलता है। इधर बोलते हैं सस्ता लेकिन कोलकाता जैसा सस्ता नहीं है, लेकिन इधर का जितना हाई रेंट है ना उससे ज़्यादा इधर सस्ते का कपड़ा मिलता है। हर चीज़ मिलता है यहाँ पर फैंसी बाजार का, आप गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा भी मिलता है इधर। ये रहा फैंसी बाजार। ओ बाबा की भीड़ ना थी, बोले भीड़ हवे ना, ভালোই তো ভিড় আছে। কোলাকাতা কার কথা ছিল না, এখানে কি পেট হাল ভারী করতে হবে? হ্যাঁ এখানে কি আইন আয়গা সব ফাইনাল তো এখানে কভার দোকান নেই, জামা প্যান্ট তো ওই যাবে আজকে খাওয়া দাওয়া এখন দাদে। कितना सुंदर सजाया गया है गेट को फ्लावर से। सुमित बोला बाबू इधर से काम करते हैं, बस से जाते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो देखिए बस पे चढ़ गए हैं, बस पूरा भर जाने के बाद ही बस छोड़ते हैं। तो मैं बोलूँगी आप बगल में जो किडनैपिंग वाला टैक्स की है ना वो पकड़ के जाइए, उसका नाम नहीं पता इसलिए मैं ऐसे बोला। तो देखिए कितना सुंदर एकदम भीड़ और कितना सुंदर सजाया गया है। रात में तो और सुंदर लगेगा क्योंकि लाइटिंग वगैरह किया गया है। हम लोग तो दिन पे आए तो इसलिए दिन का नज़ारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आजू बाजू में जो फ्लावर का पूजा देने का जो सामान का दुकान है ना वो देखकर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेड रेड चुन्नी एकदम मतलब वाइब से पूरा अलग है। और इधर से हम लोग नहीं लेंगे पूजा देने के लिए सामान, हम लोग फर्स्ट टाइम जहाँ पर आए थे डाला लेने के लिए, मतलब पूजा देने का सामान लिया था, उसी से लेंगे। और इधर आके कुछ चीज़ें पता चला जो आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। और उस दिन आया था बाहर से पूजा दिया था, इस बार भी सेम ही चीज़ है। जो रात को 3 बजे, मतलब इस बार ना रात को 3 बजे से भगवान का पूजा देने के लिए लाइन लगा था, तो इसीलिए 3 बजे जो लाइन लगाया है ना, लाइन पे थे ना, वही पूजा दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं पूजा दे सकता है, ऐसे बंद है। तो इसीलिए इस बार भी पूजा नहीं दे पाई। बाहर से अब भगवान का दर्शन कर सकते हो, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। तो दुकानदार ने ऐसा बोला उन्होंने कि पूजा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने अकेली मंदिर के अंदर गई माँ का दर्शन करने के लिए। अच्छा खासा दर्शन हुआ है कि नहीं मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर से सजाया गया है और बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। माँ कामाख्या के मंदिर आई हूँ, अभी टाइम हो रहे हैं सुबह का 12:20 और बहुत सुंदर उधर से दर्शन हो पा रहा है, लेकिन अभी सुबह जो लाइन पे है ना, सुबह जो लाइन पे दिया है वही पूजा देने पाएंगे लेकिन दर्शन कर पाएंगे ऐसा रखा है करके। सुमित बाहर है, यहाँ पर बलि दिया गया है, देखिए त्योहार है ना।
इधर से माता का दर्शन हो पा रहा है। इतना अच्छे से दर्शन होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन फ्लावर से पूरा ढका हुआ था, फिर भी जितना हुआ है मेरे नसीब में मैं सोचूं तो बहुत है। ऊपर से ब्राह्मण को मैंने पूछा, उन्होंने बताया है कि फेस्टिवल के टाइम ना रात के 2 बजे 3 बजे से लाइन लगते हैं, उसके बाद ना 12-10 बज जाते, उसके बाद जो लाइन पे आते उसके बाद किसी को लाइन पे खड़े होने का जगह नहीं मिलता है, और ऊपर से पूजा देने का भी अलाउ नहीं होता है। तो इस बार भी मुझे माँ का अंदर से जाकर पूजा देने का नसीब नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मंदिर से हम निकल के आ गए हैं माँ का भोग यानी कि प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद के लिए हम लोग को ऐसे मंदिर के बाहर ऐसे लाइन पे खड़े रहना पड़ा बहुत देर तक, प्राय 1/2 घंटे के ऊपर हम लोग खड़े थे। उसके बाद हम लोग को अंदर आने के लिए इजाजत दिया, इधर हम लोग वेट कर रहे थे। ये है ना वेटिंग रूम, इधर बैठने के बाद टेबल के हिसाब से टिकट देते हैं, वो टिकट लेकर आपको जहाँ पर लंगर दे रहे हैं ना प्रसाद, उस जगह पर टिकट को लेकर जाना होता है, फिर उधर जाके आप प्रसाद ग्रहण कर सकते, ऐसा इधर कुछ रिचुअल्स है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे आए हैं ना, तो कुछ भी नहीं पता, सब कोई हम लोग को पूछ रहे हैं, हम लोग भी दूसरे को पूछ रहे थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फास्ट रखी थी, और माँ ने देखो प्रसाद किसी भी तरह से मुझे भूखा पेट जाने नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ करके मेरे प्रसाद मेरे मुँह में झूठा करके भेज रहे, यानी कि पेट भर के ही भेज रहे हैं मुझे। और ये देखिए भूखा पेट होना, थोड़ा सा डल जैसे दिख रही हूँ। सुमित बोल रहा कुछ नहीं होगा आपके साथ माँ है ना, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही। तो सुमित भी एक्साइटमेंट में है, मैं भी एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि ये जो हम लोग का नसीब है ना हर किसी का नहीं होता है। तो देखिए हम लोग टिकट लेके हम जा रहे हैं जहाँ पर लंगर लग रहा है उस तरफ जा रहे, उधर भी लाइन लगते हैं। आपके साथ जितना हो सके मैंने शेयर किया है। ये टिकट लेकर भोग खाने के लिए आ गए हैं हम लोग। नहीं दौड़ता स्टैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर रख के आप खा सकते हैं, अंदर भी बैठ के खा सकते हैं। वो खाने के लिए अंदर आ चुके हैं, तो चलिए प्रसाद खा लेते हैं, मिलते हैं फिर खाना खा के बाद। मैंने फिर से और एक बार ले लिया। लंगर के लिए इधर लाइन लगाना पड़ता है, इधर कूपन देता है, फिर इधर जाके प्रसाद मिलता है खाने के लिए। हम लोग का प्रसाद खाना हो गया, अभी चलते हैं।
कामाख्या मंदिर से होकर फिर दूसरा मंदिर जा रही हूँ। ए तो मंदिर टा आसो और एक मंदिर जा रहे हैं, बहुत सुंदर है देखने में दूर से। जैसे कि आपने सुना, सब ब्राह्मण चिल्लाने लग गए, मैं कैमरा कर रही थी, कैमरा अलाउ नहीं था। तो अभी ना हर एक जगह पर कैमरा अलाउ नहीं होता, इसलिए अच्छा अच्छा मूवमेंट आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। जितना हो सके मैं बाहर से ही शूट करती हूँ। और अभी जाने का टाइम हो गया है, लौटने का टाइम। तो देखिए इतना प्यारा नजारा है, मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूं, लेकिन बीच में ना मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। ब्रह्मपुत्र रिवर देखिए, मैं अभी बस से उतरी और उतरते ही वॉमिटिंग कर दिया, इतना तबीयत मेरा खराब हो गया। भूखी पेट आई थी पूजा देने के लिए, और पूजा उधर ना प्रसाद दे रहा था, स्वाद प्रसाद दे रहा था खिचड़ी, तो भोग खाया। उसके बाद गर्मी में बैठे थे बस पे, बस मेरा लू लग गया, तबीयत खराब हो गया है ना। वो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर दी एंड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ तबीयत को लेकर। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।